वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। आज वन वर्ड सबसे सेगमेंट में हम 161 से लेकर के 163 तक 5 वन वर्ड्स को हम कवर करेंगे। आज का पहला वर्ड है एक्वेरियम। लिख दिया यहाँ पे एक्वेरियम, एक्वारियम, एक्वेरियम पढ़ते हैं। आप स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ए है, एक्वेरियम है, यहाँ पे ए रहेगा। दूसरा है राई, डब्ल्यू आर वाई को बोलते हैं राई, ऊपर लिखा है। राई मीन्स टेढ़ा। फिर है परवर्स, परवर्स मीन्स उदंड, परवर्स, परवर्स, दो बार में पढ़ेंगे हम इसे। देन किडनैप, और लास्टली अलमाइटी, अलमाइटी मीन्स शक्तिमान, भगवान भी बोलते हैं अलमाइटी मतलब, तो सर्वशक्तिमान या भगवान। अब 165 में जो पहला वर्ड है एक्वेरियम, हिंदी है मछली घर। मछली घर किसे कहते हैं? जहां पे मछलियां रहती हैं, एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन होता है मछली रखने के लिए, उसे बोलते हैं एक्वेरियम। आप जब हॉस्पिटल्स या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन को विजिट करते हैं तो उसके एंट्रेंस के पास ही इस तरह का लगा रहता है जहां पे कुछ मछलियां तैरते रहती हैं, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। और टैंक, एक टैंक होता है वेयर फिश आर केप्ट, जहां पे फिश, मछलियां रखी जाती है। यहाँ फिश के बारे में बता दूं कि फिश जो वर्ड है इसका प्लुरल होता है फिश एंड फिशेस। फिश वर्ड का प्लुरल फिश और फिशेस होता है, लेकिन अभी फिशेस का प्रचलन बहुत कम हो गया है, फिश को ही अधिक यूज किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे फिश लिखकर फिर आर लिखा हुआ है। तो पहला वर्ड देख रहा है एक्वेरियम, मछली घर। अ टैंक वेयर फिश आर केप्ट, एक टैंक जहां पे फिश रखे जाते हैं उसको बोलते हैं एक्वेरियम, राइट। नेक्स्ट राई, डब्ल्यू आर वाई, राई मीन्स टेढ़ा। टेढ़ा क्या होता है? अ ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब टेढ़ा, ट्विस्टेड मतलब टेढ़ा होता है, ट्विस्टेड का मतलब ही हो गया टेढ़ा। और डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्टेड मतलब बिगाड़ा हुआ, बिगाड़ा हुआ। फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे का भाव, एक्सप्रेशन मतलब भाव, चेहरे का भाव। इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग मतलब सूचित करते हुए, सूचित करते हुए। डिसप्लेजर, डिसप्लेजर मतलब नाखुशी, नाखुशी, नाखुशी सूचित करते हुए। और डिसगस्ट, डिसगस्ट मीन्स घृणा। बहुत सारे वर्ड्स हैं सीखने के लिए, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट हैं वर्ड्स। डेफिनेटली वन वर्ड में राय ही पूछा जाएगा, लेकिन ट्विस्टेड, डिस्टोर्टेड, डिस्प्लेजर, डिसगस्ट, ये सब बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो होता क्या है, जब हमारा मूड खराब होता है तो हम अपना चेहरा बनाते हैं, होठों को ऊपर चढ़ा लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, एक तरफ खींच लेते हैं, राइट में, लेफ्ट में, उसको वो फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है उसे बोलते हैं राई। उस फेशियल एक्सप्रेशन को जो जिसमें टेढ़ा करते हैं अपने चेहरे को, चाहे बिगाड़ लेते हैं जो भगवान ने बनाया है उससे उल्टा थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं कुछ देर के लिए ही सही, और जिससे कि आप नाखुशी प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको नाखुशी प्रदर्शित करना है तो कभी होठों को दाब लेते हैं, नीचे वाले होठ को, हाँ ये सब भी है। डिस्गस्ट, घृणा भी प्रदर्शित करते हैं, तो उसमें घृणा में नाक को सिकोड़ लेते हैं। तो जो चेहरे का भाव होता है इस इन सब को बोलते हैं राई, टेढ़ा, टेढ़ा बोलते हैं बस, राइट। नेक्स्ट वन इज परवर्स, परवर्स मीन्स उदंड, उदंड आप समझते हैं हिंदी में, जो कोई बात नहीं मानता है, रूल से रहता नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, बिगड़ा हुआ है। क्या है? अ पर्सन फुली कंटिन्यूइंग इन रॉन्ग डूइंग्स, रॉन्ग डूइंग्स मीन्स खराब काम। एक आदमी, पर्सन लिखा ना तो एक कॉमन जेंडर है, तो औरत या पुरुष, लड़का या लड़की, ये ध्यान रखना है आपको, भले ही मैं फेमिनिन में बोलूं चाहे मैस्कुलिन में बोलूं, आपको ध्यान रखना है पर्सन लिखा रहेगा तो। अ पर्सन फुली कंटिन्यूइंग इन रॉन्ग डूइंग, एक पर्सन जो कि गलत काम में पूर्ण रूप से लिप्त है, कंटिन्यू है, जारी रखा हुआ है, रॉन्ग डूइंग ही करता है, उसको बोलते हैं उदंड, परवर्स। किडनैप आप सब जानते हैं, किडनैप क्या होता है? ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन बीइंग मतलब मानव, मानव को चुरा लेना कहलाता है किडनैप। एंड देन अलमाइटी, अलमाइटी मीन्स सर्व सर्व शक्तिशाली, भगवान भी आप कह सकते हैं अलमाइटी का हिंदी।
तो सर्वशक्तिशाली कौन होता है? जिसके पास सभी शक्तियां होती है, तो वन हु हैज पावर ओवर एवरीथिंग, मतलब एक जो जिसके पास शक्तियां होती है सभी वस्तुओं पर, एवरीथिंग ओवर एवरीथिंग मतलब सभी वस्तुओं पर, तो वैसा जिसके पास सभी वस्तुओं पर शक्तियां होती है उसे क्या कहेंगे? सर्वशक्तिमान कहेंगे। सब पे शक्तिमान है, शक्तिशाली है, और सर्वशक्तिमान का दूसरा रूप भगवान। तो आज फाइव वर्ड्स में पहला वर्ड एक्वेरियम मछली घर, अ टैंक वेयर फिश आर केप्ट, दूसरा राई टेढ़ा, अ ट्विस्टेड और डिस्टोर्टेड फेशियल एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग डिस्प्लेजर और डिस्गस्ट, परवर्स उदंड, अ पर्सन फुली कंटिन्यूइंग रॉन्ग डूइंग, किडनैप, टू स्टील अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड किडनैप, अलमाइटी सर्वशक्तिमान, वन हु हैज पावर ओवर एवरीथिंग। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है परवर्स अलमाइटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है, और बेशक राई जो है और राई के जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।